अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कुछ दिन महज शेष रह गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जहां चंडीगढ़ का कायाकल्प किया गया तो वहीं आसपास के कुछ क्षेत्र में भी खूबसूरत बनाने के लिए भरचक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्रह्म सरोवर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही है। तो वही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समारोह को लेकर इसमें चर्चाएं की, क्या कुछ कहा आइए हम आपको सुनाते हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर चंडीगढ़ में जो आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, सीधे तौर पे कहें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार पूरा जोर शोर से तैयारियां कर रही है। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मेन इसका प्रोग्राम होना है, तो वहाँ पे तैयारियां पूरी जोर शोर पे हैं। पर चंडीगढ़ में भी हम कह सकते हैं कि पूरी तैयारियां देखने मिल रही है। अलग अलग जगह पे हम कह सकते हैं रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही है, अलग अलग तैयारियां की जा रही है, डेकोरेशन साफ सफाई और पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी अपनी तरफ से प्रशासन कोई कि स्टोन अनटच नहीं छोड़ रहा है। मतलब कि अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है कि इस बार का जो गीता महोत्सव हो, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए। जी जी जिस तरीके से आपने कहा कि गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए हरियाणा सरकार जो प्रयास कर रही है, तो हरियाणा सरकार का कहना है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें देश विदेश से कई लोग जनप्रतिनिधि जो है शामिल होते हैं, उनको लेकर हरियाणा सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि अलग अलग शहरों से आते हैं, सबसे पहले तो उनको ये अपने कल्चरल के बारे में, क्योंकि देखिए हमारा कल्चर काफी ज्यादा डाइवर्स है, तो उसके बारे में पहले तो लोगों को अवेयर करने के लिए तैयारियां की जा रही है। उसके अलावा उनके रहने के परिसर के लिए अगर हम कहेंगे स्पेशल प्रबंध किए जा रहे हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर परिसर हो गया और आसपास के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि जो हमारा कल्चर है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि हर बार ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगाया जाता है, तो इसके लिए हमारे कल्चर को डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, जो प्रतिनिधि आएंगे, उनको हमारे कल्चर के बारे में इन डेप्थ जानकारी मिल सके, उनको हमारा कल्चर दिख सके। लाइटें हम कह सकते हैं कि डेकोरेशन से एक पार्ट है, पर उसके लिए हम कह सकते हैं कि हमारे कल्चर के बारे में उनको इन डेप्थ जानकारी मिल सके, उसका भी तैयारी इस बार रखी गई है। जी जी अमित कुमार, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।